राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू हैशटैग मारवाड़ी। और आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज और अपडेट है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पूनम राजस्थानी के बारे में। तो पूनम राजस्थानी ने 4-5 दिन पहले शिव विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करते हुए एक वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जिसके बाद लोग उन्हें कमेंट करके काफी ज्यादा हेट देने लगे। किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, कुछ दिन पहले इन भाईसा ने ये कहा था, रविंद्र मेरा भाई है और आज उसी भाई के खिलाफ प्रचार कर रहे हो, धन्यवाद आपको। किसी ने कमेंट करते हुए लिखा, भाई को भूलने के लिए धन्यवाद पूनम मारवाड़ी। एक ने कमेंट करते हुए लिखा, रफ्सा भाटी के खिलाफ है तो सब भाई अनफॉलो करे, मैं अभी अनफॉलो कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को भूल जाओ। तो लोगों द्वारा काफी ज्यादा हेट मिलने के बाद पूनम राजस्थानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, देखिए आप। खमागणी राम राम नमस्कार, मैं पूनम राजस्थानी। कालों पछे बाइड और कमेंट आवे तो भाई थोर कमेंट रो हूँ, कदर करो, मैंने कोई बुरो को नहीं लागतो, लेकिन एक चीज़ हूँ जरूर बतानी चाहो, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन एक चीज़ हूँ जरूर बतानी चाहो कि हरू पिंग जो मारे गौ रहा है, मारे हा हरे रहा गौ रहा ही नहीं मारे परिवार में, तो उंगारे साथ जो खड़ो रहो वो मारो फर्ज मिले, मैं सिर्फ मेरा फर्ज निभा रही हूँ, आप सभी को पता है। हरू पिंग रो हमा अगर मारे भाई हगो आसू सिंह होता तो भी मारो फर्ज गौ हम हो तो बैल हो, जो इंसान मतलब जैसे कि वो बाहर जाती तो थे आगे कहता कि तू गौरी नहीं हुई मोहरी की हुई, अगले वेद पुराणों में लिखड़ हुआ कि पहले परिवार है, आप सभी को पता है। और रविंदर सिंह रे हमें अगर कोई बीजा होता तो मैं रविंदर सिंह ना दिल हाँ सपोर्ट, और मारा तो हमेशा सपोर्ट मैं हमेशा करती हूँ, आप सभी को पता है। बाकी आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते ये बताइए मुझे। लेकिन बाद में किसी ने एक गलत शब्द का यूज करते हुए कमेंट किया, जिसके बाद पूनम राजस्थानी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने उस कमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए क्या कहा, देखिए आप। खमागड़ी राम राम नमस्कार, मैं पूनम राजस्थानी। तो देखो भाई आए थे, देखो पड़े कमेंट जो के भाई मैंने गाली दी है, मना को नहीं मारी पूरी समाज ना दी है, मना थी गाली दी पड़ा हूँ, सहन करो पड़ी हो कमेंट किया है, लेकिन ये कमेंट जो भाई की है पूरी समाज ना की है, तो मारी समाज सहन नहीं करे हूँ थोड़ा उतो ही कहो। और वो भाईड़ो बोले हूँ फलाने समर्थक हूँ, भले तू कह रो है मैं समान करूँ, भले कह रो ये तो देखो राजनीतिक अलग है, पार्टी अलग है, हर चीज अलग है, वो अपनी जगह है, लेकिन समाज अपनी जगह है, ये चीज कोई नहीं सहन करे, मारी समाज को नहीं, भले कोई भी समाज हो, आप किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी आप नहीं कर सकते हो, आप कितना दिन होना हो ये मतलब है कि थोड़ा सपोर्ट करो थे मानो होना कितना दिन होना हो, अगे होने जो को होने है अब कोई नहीं होने, तो समाज को क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप देख लो, आप समझदार हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद भजन कलाकार छोटू सिंह रावणा ने भी पूनम राजस्थानी का सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया, जहां पर उन्होंने क्या कहा, मैं आपको छोटू सिंह रावणा के वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ, बाकी पूरा वीडियो देखना तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। जय माता जी की, जय श्री राम। आप सभी शिव विधानसभा के प्रचार को और इलेक्शनों को देख रहे हो, जोरों शोरों पर है, पूरे राजस्थान में चर्चित है। मेरी हालात बता दूं, मैं पर्सनली रविंद्र सिंह भाटी के साथ था, और क्योंकि युवा नेता है, हम सब चाहते थे कि वो आगे आए और विजय बने और आगे जाकर हमारी बात रखें, पर जो कल जो घटना घटी है, जिस प्रकार के उनके लोग जो कमेंट करते हैं, उनके कार्यकर्ता जिस प्रकार का कमेंट किया है हमारी बहन पूनम राजस्थानी के एक वीडियो के नीचे, जो हमारे समाज को अपमानित करने की आपने कोशिश की है, ये मुझे बहुत खराब लगी है, ये मुझे दिल को ठेस पहुंचाती है। मैं किसी भी चीज के बारे में सुन सकता हूं, हमेशा आपके तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं, पर जो हमारे समाज के बारे में अगर ऐसा कोई गलत बोलेगा तो मैं उसके विपक्ष में ही खड़ा रहूंगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। पर्सनली हम आपको बहुत अच्छा, हम इसलिए लाइक करते थे, हमने सोचा था कि युवा है, जातिवाद की ऐसी भावना नहीं रखेंगे और हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, पर जिस प्रकार की कल जो घटना घटी है और उसके बाद आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है वापस बोल के कि भाई मेरे कार्यकर्ता ने अगर ऐसा बोला है तो मैं उस बहन को एक बार कॉल कर दूं या फिर उसके घर जाके आऊं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ रावणाजपुर समाज को इग्नोर करने की कोशिश की है, ये जो किया ये आप बहुत गलत कर रहे हो। हम शुरू से आपके साथ खड़े रहते हैं, हमने आपका हमेशा से आदर सम्मान किया और साथ साथ जब भी आपने वोट मांगा हमने आपको वोट दिया है, पर इस बार जो जिस प्रकार की आप कर रहे हो और राणाजपुर समाज को आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज है। और अगर आपके किसी कार्यकर्ता ने ऐसा बोला है तो आपका पहला फर्ज बनता था कि आप वहां जाकर उनसे व्यक्तिगत बात करें, उनको आश्वासन दिलाएं, क्योंकि आप ही अपने कार्यकर्ताओं को शक्ति देते हो, ये बोलने का अधिकार देते हो, और जो जिस प्रकार के आप बातें करते हो तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप कार्यकर्ता ने भी अगर कोई भूल करी है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए या फिर आपको उसको उनको संतुष्ट करना चाहिए। आप हमको अगर अपना भाई बोलते हो तो फिर वो उस तरीके से आपको निभाना भी चाहिए।
आप लोगों के अजरक पहन रहे हो, लोगों के गाड़ियां रोक के कर रहे हो, लोगों को सबके घर पे जा रहे हो, बस राणापुर समाज की जो पिछले 3 दिन से आप लोग इग्नोर कर रहे हो, आपने एक बार भी उसको कॉल करके ये तक नहीं बोला है कि मुझे मुझसे मेरे कार्यकर्ता से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा रहूंगा। पर ऐसा आपने कुछ नहीं किया, आपने इग्नोर किया, और इग्नोर इस वजह से किया है कि क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 20,000 वोट नहीं मिलेंगे। तो आपको बता दूं 20,000 से 22,000 वोट राणापुर समाज के हैं और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे पास समय नहीं है अभी घर घर जाने का, वरना मैं ये फर्क आपको दिखाता। मैं हमेशा आपके कल्याण की कामना करता हूं, हमने हमेशा आपके लिए ही काम किया है, बहुत काम किया है। जब भी आप मंचों पे आते हो तो सम्मान करके आपको बुलाते हैं, और कॉलेज टाइम से मैं आपका फैन भी हूं, साथ साथ मैंने आपके बहुत सारी वीडियो भी बनाए हैं, मैंने साथ साथ आपका जब भी मंच पर आते हो तो सम्मान करके आपको बुलाते हैं। पर ये जो समाज के बारे में जिस प्रकार के आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता, और मेरा मैं इस चीज से बहुत आहत हूँ। तो इस पूरे मैटर पर रविंदर सिंह भाटी ने भी एक वीडियो अपलोड करते हुए क्या कहा, देखिए आप। नमस्कार, हूँ रविंद्र सिंह, आज आप सभा बीच में एक विशेष बात ले हाजिर हूँ। आज हूँ कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम में जय संपन्न करे और फिर वो टाइम मैंने हमारे भाई साथी एक वीडियो बताए, वो वीडियो मैंने हमारे अजीज हमारा भाई हमारा लाडला छोटू सिंह जी रो वीडियो तो, और वीर मैंने वो एक विवादित कमेंट के बारे में बात करी। मैंने भी जाने बड़ा दुख हुआ कि मारे समर्थक कोई ऐसा कमेंट कर रहा है, पर उन सब चीजों ना लेर कई सारा आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। हूँ आज बाबा गरीबनाथ जी रे पवित्र प्रांगण में ना बैठवा हूँ वे आदमी ना ओखा तक को राजनीति रे मीना कई बार कोई आदमी किन हिसाब में मिला क्या माते कमेंट करे कहीं ठाक हो गए। बहन पूनम हमारी खुदरी बहन है, वे ना हूँ हमेशा दिल में इज्जत करा और आगे भी कर बहन हमारे वास्ते राखी ले रही, मैं राखी बंधवाई और वो जीवन भर हुई राखी रो मोल राखी छोटू हमारे वास्ते हमेशा वो चीज और आज भी हर जीवन भर रही। आज जो को बात आई वीर मीना मैंने लागो कि केतन के अपन सामाजिक तानो बानो के टूटे वीर वास्ते हूँ बाबा गरीबनाथ जी रे मंदिर में आज बैठो हूँ ये तो मैंने साख लिया हूँ सोगन लिया कि हूँ वही आदमी कदे मिलो भी हुआ वही आदमी ना कदे मैं बात भी हुई है या हूँ वीर पहचान तो भी हाँ यह घटना हुई वीडियो आई वीर बाद मीना मैं पूनम रे भाई आंसू गुडा मीना बात करी मैं पूछू कौन है तो वे भाई नंबर देना अच्छा मैं फोन करे और वो जरूर दियो कि भाई थे लोगों के कारण हूँ कि तो परेशान हो और थे लोग चाव की हूँ राजनीति में कई तरीका षड्यंत्र हुए साजिशा हुए और साजिश और षड्यंत्र हमेशा होते हैं। पर ये दौर में ना आज हूँ इतना मेहनत करना पड़े लागोड़ो हाँ कई सारा साथी चाहे कि गिराओ पर मारो निवेदन सभा आप राजनीति करा आप चुनाव लड़ा ठीक है पर अपने सामाजिक तानो बानो है वो या चुनाव वास्ते कदे चुनाव के कारण कदे खराब नहीं होना चाहिए अपने जो प्रेम है कदे कम नहीं होना चाहिए। समस्त रावण राजपूत समाज का जितना भी हमारा भाई है बड़ा बुजुर्ग है हमारा परिवार रहा है हमारा इंजर है हमारा आप रहा है और हम जीवन भर आप सबारो आदर सम्मान करी। मैंने कई सारा भाई कही कि ऐसा वीडियो आई है मैं उन्होंने कही हमारा परिवार है हम परिवार के बीच में ना बेसे सभा में ना सार्वजनिक रूप रह मीना हूँ हाथ जोड़ माफी चाहूँ अगर आप ना केरी वजह मीना या हमारी वजह मीना कोई ठेस पहुंची हुए अपना आहत हूँ मैं मारे जीवन में ना कदे सोचो को नहीं कि थाना हूँ कदे चिंता रमी ना पढ़ने मौको भी दे हम वादो करा आप सब ना बाबूजी मंदिर हो गई कि आप सब ने पेड़ो आज भी हार आगे भी हार जीवन भर रही है और हूँ अगर ये सामाजिक ताने बाने ना बचाने वास्ते अगर 10 जगह मना अगर हाथ जोड़ना पड़ेगा
दस बार हाथ जोड़ी सुन सार्वजनिक थे केस हो कि ये जगह भीचे ये चार जना बीच में ना सौ जना बीच में हजार जना बीच में ना हाथ जोड़े माफी मांगने वो माफी मांगी से हमारी गलती बनी सर। इसके बाद रविंद्र सिंह भाटी के इस वीडियो को छोटू सिंह रावणा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, आप जातिवाद को खत्म करोगे और सब समाज को साथ लेके चलोगे, ये उम्मीद लेके आज पूरा राजस्थान आपके साथ है और आपसे प्यार करते हैं, हम सब आपकी मंगल कामना करते हैं और टाल ठोक बेला हा। और रही बात छोटू सिंह रावणा को खरीदने की, वो अभी पैदा नहीं हुआ, बस प्रेम से जान मांग लो हाजिर है, मेरा काम है गाना, वो मैं सबके लिए गाता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो पक्ष हो। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं कॉमेडियन लक्ष्मी चौधरी के बारे में। तो आपको पता होगा इंस्टाग्राम पर कुछ लोग काफी ज्यादा फेक रील बनाकर अपलोड कर रहे हैं, तो किसी ने उनकी भी झूठी अफवाह फैलाकर रील्स वायरल कर दी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। और जिसने उनकी फेक अफवाह वाली रील को अपलोड किया था उसके नंबर शेयर करते हुए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा, सोशल मीडिया पर मेरी सुसाइड का फर्जी वीडियो बनाने वाले का यह नंबर है, आप सब इसे कैसे जवाब दोगे, मैंने पुलिस एफआईआर कर दी है, अब आपकी बारी है। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि है गौरी नागौरी के बारे में। तो गौरी नागौरी ने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार के बाद मोदी जी और बीसीसीआई से क्या अपील की है देखिए। भारत का सपना सपना ही रह गया वर्ल्ड कप जीतने का, ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम और एम्पायर ने मिलकर की भारत के साथ बेईमानी। रोहित शर्मा आउट नहीं था फिर भी उन्हें एम्पायर ने आउट किया, यही हमारा टर्निंग पॉइंट था भारत का जीतने का, और जो कि सारे सपने हमारे चूर चूर हो गए और भारत वर्ल्ड कप हार गया। मैं अपील करती हूँ बीसीसीआई और नरेंद्र मोदी जी से कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच दोबारा होना चाहिए और सभी भारत के लोग इस पे वीडियो बनाएं, और मैं यही अपील करती हूँ कि आप सब इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं और भारत का मैच फिर से हो इस पे आप जोर लगाएं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर से बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूज़ और अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, टेक केयर।